हेलो, वेलकम बैक फ्रेंड्स। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने एक आर्डुइनो बोर्ड से एक एलईडी ब्लिंकिंग का प्रोग्राम इस पर अपलोड किया हुआ है और आपके सामने ही ये एलईडी ब्लिंक कर रही है। तो हमने ये प्रोग्रामिंग किस तरीके से करी है, कैसे करी है, तो चलिए सीखते हैं इसकी प्रोग्रामिंग। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम यही सीखेंगे कि हम आर्डुइनो को किस तरीके से प्रोग्राम करते हैं। तो आइए सीखते हैं। हेलो, वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं आर्डुइनो। तो बेसिक्स आर्डुइनो का शुरू करेंगे कि आर्डुइनो में हम किस तरीके से प्रोग्रामिंग करेंगे बिना किसी एग्जांपल फाइल के। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आर्डुइनो में फाइल्स में जाते हैं, एग्जांपल्स में से जितने भी प्रोग्राम्स हैं इनको सिमुलेट कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, ये तो एग्जाम्पल्स बने हुए हैं, लेकिन आपको सेल्फ प्रोग्रामिंग करनी आती है आर्डुइनो की, नहीं आती? तो वही हम आज इस वीडियो में सीखेंगे और इस पूरी सीरीज़ में हम आर्डुइनो की इंटरफेसिंग कराएंगे अपने बेसिक्स इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लाइक एलईडी, मोटर्स, सेवन सेगमेंट, फिर थोड़ा सा बिगनर लेवल का, फिर एडवांस लेवल का हम उसमें अपने मॉड्यूल्स को इंटरफेसिंग कराएंगे और उनके थ्रू प्रोजेक्ट्स बनाएंगे कि उनकी प्रोग्रामिंग हम किस तरीके से करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम यहाँ पर आर्डुइनो यूनो बोर्ड यूज़ करेंगे। तो हम उस पर प्रोग्रामिंग करने से पहले सबसे पहले हम उसकी पिन डायग्राम देख लेते हैं कि उसमें कौन सी पिन कहाँ पर गिवन है और उसका क्या यूज़ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना बेसिक्स आर्डुइनो का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ इस तरीके का आपका आर्डुइनो बोर्ड आता है, जिसमें यहाँ पर एक USB पोर्ट है और एक 9 वोल्ट पावर जैक है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, इस साइड पर ये जितने भी हैं डिजिटल आउटपुट्स हैं, ये एनालॉग इनपुट हैं और ये आपके VCC और ग्राउंड वोल्टेज दे रखे हैं। सो दोस्तों, हमारे पास यहाँ पर जो आउटपुट के लिए हैं वो यहाँ पर हमारे पास 13 पिन गिवन है, 0 to 13, मींस 14 पिन गिवन है जो कि आपके D0 से D7 और B0 से B5। एक्चुअल में ये B0, B5 और D0, D7 है क्या, क्योंकि आपका जो ये आर्डुइनो, यहाँ पर ये जो आर्डुइनो लिखा है, ये आर्डुइनो कौन सा है, एटमेल का माइक्रो कंट्रोलर है, एटमेल 32-8P। इसकी जो पिन डिस्क्रिप्शन है वो 28 पिन का है ये, जिसमें आपके एनालॉग पिन भी हैं और डिजिटल पिन्स भी हैं। तो यहाँ पर डी पोर्ट की 7 पिन आपकी सारी गिवन है आउटपुट के लिए और बी पोर्ट की गिवन है और सी और सी फाइव भी आपकी गिवन है। लेकिन आप सिर्फ यहाँ पर आर्डुइनो के अंदर कितनी यूज़ कर पाएंगे, आप 14 यूज़ कर पाएंगे। तो हम इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे, किस किस तरीके से हम यहाँ पर प्रोग्रामिंग करेंगे। तो लास्ट की टू पिन जो है TX और RX, लास्ट की वीडियो में हमने देखा था कि TX और RX कहाँ यूज़ कर रहे थे हम, 8051 में हमने देखा था UART फंक्शन में के ट्रांसमिशन और रिसीविंग के लिए। INT0, INT1 क्या है यहाँ पर, ये इंटरप्ट फंक्शन है। यहाँ पर इंटरप्ट फंक्शन किस तरीके से हम यूज़ करेंगे वो भी देखेंगे। दोस्तों, ये 3 के पास ये इस साइन का मतलब है एनालॉग आउटपुट, यहाँ से हम एनालॉग आउटपुट लेंगे और ये सारे जो आपके पिंस हैं 13 तक, ये आपको डिजिटल आउटपुट देंगी। MOSI, MISO, SCK, ग्राउंड, SDA, SCL, एनालॉग इनपुट्स, इन सब का यूज़ क्या है, जब जब हम प्रोग्रामिंग करते चलेंगे तब तब हम इनको रिकॉल करके बताते चलेंगे कि इनका क्या यूज़ है। लेकिन आज हम बेसिक शुरू करने जा रहे हैं आर्डुइनो के अंदर कि हम एक सिंपल GPIO का कैसे यूज़ करें, GPIO यानी जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट पिन का किस तरीके से हम यूज़ करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो आर्डुइनो प्रोग्रामिंग करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए इसकी IDE। IDE इसकी ऑनलाइन गिवन है, आप वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ एक बोर्ड खरीदिए और इसके साथ ये फ्री आईडी डाउनलोड करिए और अपना प्रोग्राम शुरू करिए। जब हम अपना न्यू प्रोग्राम खोलते हैं तो यहाँ पर क्या आता है, सिर्फ आपके पास दो चीज़ें लिखी हुई आती हैं, क्या, void setup एंड void loop। सो सेटअप क्या करने के लिए होता है कि हम जितनी भी अपनी पिंस हैं यहाँ पर उसको क्या करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं, अपने फंक्शन को बनाते हैं और उसको इनिशियलाइज करते हैं। और वर्ड लूप क्या है कि ये इसके अंदर एग्जीक्यूट होगा और ये कंटिन्यूसली आपका रिपीट होता रहेगा। जैसे हम अपने 8051 के साथ
कंपेयर करें तो हम सबसे पहले क्या करते थे, अपने प्रोग्राम में पहले डिफाइन करते थे पिन को, फिर उसके नाम को पिन को डिफाइन करते थे, फिर क्या करते थे वॉइड मेन के अंदर प्रोग्राम लिखते थे जो कि कंटिन्यू उस लूप के अंदर चलता रहता था। या इस तरीके से कहिए कि मेन के अंदर अपने हम फंक्शन को डिफाइन कर देते थे और फिर वाइल वन के अंदर कंटिन्यूस लूप के अंदर उसको चला दिया करते थे। सेम स्ट्रक्चर आपका यहाँ पर भी इसी तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक बेसिक एलईडी का प्रोग्राम लिखते हैं, जिसके लिए हमें क्या चाहिए, सिर्फ एक अपना आर्डुइनो और एक एलईडी और एक करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस 220 ओम का, जो कि हम किसी भी पिन पर हम आउटपुट उसका लेकर देखेंगे। तो बेसिकली एग्जांपल में गिवन कौन सी होती है, पिन 13 गिवन होती है, लेकिन हम यहाँ पर पिन 12 यूज करेंगे। तो किस तरीके से हम यहाँ पर करेंगे, सबसे पहले हम इंट दे के उसको नाम दे देते हैं एलईडी इक्वल्स टू पिन नंबर, कौन सी यूज करेंगे हम 12, ओके। फिर हम वॉइड सेटअप के अंदर आएंगे, वॉइड सेटअप के अंदर ये कमेंट को हम डिलीट कर देते हैं। वॉइड सेटअप के अपन डिलीट करने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे PIN पिन कैपिटल MODE पिन मोड, यानी किस मोड में हम इसको यूज कर रहे हैं। पिन मोड कौन सी, जो कि हमने ऊपर ही डिफाइन कर दी एलईडी के नाम से। एलईडी क्या होनी चाहिए मेरी, आउटपुट, क्योंकि ये मुझे क्या देगी, आउटपुट ब्लिंक करेगी ये मेरी, तो मैं इसको यहाँ पर आउटपुट डाल देता हूँ, आउटपुट ब्रैकेट क्लोज और टर्मिनेट कर दिया, यानी मेरी जो पिन नंबर 12 है वो एलईडी एज अ आउटपुट मेरा वर्क करेगी। अब मैं वॉइड लूप के अंदर आता हूँ, वॉइड लूप के अंदर फिर से मैं ये कमेंट को डिलीट कर देता हूँ। अब मैं चाहता क्या हूँ कि ये मेरी एलईडी क्या करनी चाहिए, ब्लिंक करनी चाहिए। तो ब्लिंक करने के लिए मैं इसको क्या करूँगा, ये कौन सी पिन है मेरी, डिजिटल पिन है, देन आई राइट डिजिटल, अब कैपिटल में डब्ल्यू लिखूंगा और इसको लिख दूंगा राइट, यानी डिजिटल राइट होना चाहिए इस पे, क्या 5 वोल्ट जाना चाहिए, क्या एलईडी जो मैंने इसका नाम रखा है एलईडी, और ये क्या हो जानी चाहिए हाई, HIGH हाई, यानी इसको प्रॉपर 5 वोल्ट मिलना चाहिए। देन आई टर्मिनेट दिस, फिर एक मैं डिले लिखता हूँ, डिले क्या लिखूंगा, यहाँ पर मैंने लिखा डिले, कितनी देर का डिले, 1000 माइक्रो सेकेंड। फिर मैं क्या करना चाहता हूँ, अपनी इस डिजिटल पिन को लो करना चाहता हूँ, तो इसको मैं डिजिटल कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर, देन आई पेस्ट हेयर, देन डिजिटल राइट को मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, लो, LOW लो, देन फिर मैं यहाँ पर अपना एक फंक्शन डिले, जो कि इसके अंदर इनबिल्ट फंक्शन है डिले का, उसी को मैं कॉल कर लेता हूँ। तो ये इतना सिंपल सा एक हमने प्रोग्राम लिखा। अब हम इसको टूल्स में जाके अपने बोर्ड को जेन्युइनो यूनो चूज कर लेते हैं, एंड देन अपना हम बोर्ड को प्लग कर लेते हैं। जैसे ही मैंने ये प्लग कर लिया तो देखिए यहाँ पर कॉर्नर पे आर्डुइनो जेन्युइनो यूनो ऑन कॉम 4, टूल्स में जाके हम कॉम 4 को सिलेक्ट कर लेते हैं, देन मैं यहाँ से ये अपलोड का बटन दबाता हूँ तो ये सेव करने के लिए आ जाता है मेरे पास, और ये मैंने सेव कर दिया। जैसे ही मैंने ये सेव किया और इसको लोड किया तो देखिए यहाँ पर ये ब्लिंक करने के बाद एलईडी मेरी ब्लिंक कर गई है, और मैंने ये देखिए यहाँ पर ये कनेक्शन इसको पिन नंबर 12 से इसको कनेक्ट किया है एक एलईडी को, एलईडी के एक रेजिस्टेंस से देखिए ये नेगेटिव ले लिया है मैंने, एंड देन आई प्लेस अ नेगेटिव टर्मिनल, सो हेयर आई पुट ग्राउंड, एंड देन देखिए यहाँ पर ये मेरी एलईडी हर एक सेकंड के लिए ब्लिंक करेगी, फॉर एवरी वन सेकंड। अब मैं चाहता हूँ कि इसी प्रोग्राम को थोड़ा सा एडिट करूँ और इसको मैं दो एलईडीज के लिए लिखूँ, यानी फर्स्ट एलईडी ये ऑन हो तो ये ऑफ हो, जब ये ऑन हो तो ये मेरी ऑफ हो। सो देखते हैं इसके अंदर क्या चेंज करेंगे हम, अगेन कुछ नहीं चेंज करेंगे हम, तो मैं सबसे पहले इस एलईडी को यहाँ से टर्मिनेट कर देता हूँ, ओके फ्रेंड्स। तो मैंने ये टर्मिनेट कर दिया यहाँ से, और इस एलईडी की जगह मैंने पिन नंबर 12 डाल दिया, जहाँ जहाँ मैंने ये एलईडी लिखा था वहाँ वहाँ मैं इसको क्या कर देता हूँ, अगेन
12 कर देता हूँ, तो यानी मेरा ये 12 पिन जो थी वो मेरी हाई और लो होगी। अब मैं चाहता हूँ एक और पिन लेना, तो मैं इसको क्या करता हूँ, अगेन कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कॉपी, देन आई पेस्ट इट हेयर, देन इस पिन का नाम दे देता हूँ मैं 11। हम 13 पिन यूज ही नहीं कर रहे जो कि आपकी बेसिकली आती ही है, तो हमने इसको पिन 12 को आउटपुट ले लिया, पिन 11 को आउटपुट ले लिया। अब इस डिजिटल राइट को करेंगे कॉपी, देन आई पेस्ट हेयर हाई, देन आई पेस्ट हेयर लो, देन या 11, 11 और ये 12। तो यहां पर मेरी कौन सी पिन हाई होनी चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल 11 हाई होनी चाहिए और मेरी 12 कौन सी होनी चाहिए, लो। फिर एक सेकंड बाद मेरी कौन सी पिन लो होनी चाहिए, 11, और 12 होनी चाहिए हाई। तो इतना सा प्रोग्राम मैंने इसको लिखा एंड देन फिर इसको मैंने कंपाइल किया। सो मैंने यहाँ पर ही अपने इस बोर्ड को 11 पिन को देखिए एक एलईडी से कनेक्ट किया है और 12 पिन को एक एलईडी से कनेक्ट किया है और उसको एक प्रॉपर रेजिस्टेंस से देते हुए मैं इसको एक ग्राउंड लेवल पर कनेक्ट कर दिया। तो देखिए मेरा प्रोग्राम किस तरीके से काम कर रहा है कि जब जब 11 पिन हाई है तो मेरी 12 लो है और जब 12 हाई है तो 11 लो है। तो इसी तरीके का हमने ये सिंपल सा ब्लिंकिंग प्रोग्राम बनाया था। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये समझ में आया होगा कि हम किस तरीके से यहाँ पर ये आर्डुइनो की सिंपल प्रोग्रामिंग कर रहे हैं विदाउट यूजिंग एनी एग्जाम्पल। हम अपना सेल्फ का प्रोग्राम लिखेंगे यहाँ पर कि अपने प्रोग्राम किस तरीके से हम लिखते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है बिल्कुल डाउनलोड करें प्रोग्राम कहीं से और उसी को यूज़ करें। हमेशा जब आप अपने प्रोग्राम लिखते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस होती है अपने प्रोग्राम्स लिखने की और आप उसमें इजी शॉर्टकट्स ढूंढते हैं कि आप अपने प्रोग्राम को कितना शॉर्ट करके लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल उसको कट कॉपी पेस्ट करें। तो थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये आर्डुइनो का ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें और शेयर करें। जो 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 सीखना चाहते हैं आर्डुइनो उनको भी शेयर करें। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो दोस्तों, थैंक यू।